saiyo. Rehm nazar sai, rehm nazar, rehm nazar sai, rehm nazar. Bandhi tune sar pe kafani, bandhi tune sar pe kafani, tan par pehna hai jhola. Koi fakir hai ye mast ye mola ya bairagi. Ek to barsat ka mausam aur chhat tut gayi, kya karenge? वो सोचा है आपने? गीता, इसकी मरम्मत कराने में बहुत खर्चा आ जाएगा। और ठीक नहीं कराया तो घर में सब पानी भर जाएगा, चूल्हा चौका भी भीग जाएगा, और ये बच्चे कुछ छत कब ढह जाए पता नहीं। जानता हूँ, लेकिन गीता, अभी इसे ठीक कराने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और वो पैसे तो मेरे पास। आप गाँव में सबकी मदद करते हैं, आपके भोलेपन और सच्चाई की सभी कदर करते हैं, किसी ना किसी से कुछ उधार तो मिल ही जाएगा। नहीं नहीं गीता, मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया है। जो भी काम मिला वो ईमानदारी से करके दो वक्त की रोटी कमाई। लेकिन छठ नहीं बनी तो नुकसान और ज्यादा होगा। जानता हूँ, मैं आज कुछ केलों के पत्तों की बरसाती बनाकर उससे ये ढक दूंगा। अब जब तक पैसे आते नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। किस किस की चिंता करें, हर दिन बीतने के साथ हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको काम नहीं मिल रहा और जमा पूंजी केवल 1 रुपया, जिससे आज मुझे अनाज खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन वो अनाज भी कितने दिन चलेगा? सभी चिंताओं का एक ही समाधान है गीता, साई, साई बाबा। बस उनका ध्यान करते रहना है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मेरे साई बाबा, साई बाबा, मेरे साई बाबा। साई, राम जी भला करें। साई, एक मुश्किल हो गई है। मेरे घर के पास के पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था, कल रात बरसात की वजह से वो काफी ध्वस्त हो गया, और उस घोंसले में चिड़िया के अंडे भी है। मैं और गंगा उस चिड़िया और उसके अंडों के लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाए पता नहीं, आप हमारी मदद करिए ना। किसी बेजुबान की मदद करने का जिम्मा उठाया है तुम दोनों ने, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कभी तुम्हारे लिए कोई जेवर नहीं ले पाया, तुम्हारी कोई इच्छा कोई चाहत कभी भी पूरी नहीं कर पाया मैं। हम सुखी हैं और मुझे खुशी है कि सुख का आधार जेवर नहीं, आपसे मिला सम्मान, आपसे मिला प्यार है, फिर और क्या इच्छा करूं मैं। अच्छा सुनिए, मैं सामान लेने बाजार जा रही हूँ, और हाँ, सिद्धेश्वर बाबू पुणे से आ गए तो ये उनके जेवरात उन्हें लौटा दीजिए, ये घर में रहेंगे ना तो मुझे डर सा लगा रहता है। सही कह रही हो गीता,
मैं अभी के अभी जाकर उसे ये गहने लौटा देता हूँ और अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाता हूँ। चिड़िया का घर बनाने के लिए तुम दोनों के पास क्या क्या सामान है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है साई। आप भी सोच रहे होंगे कि हम कितने बुद्धू हैं, बिना कुछ लिए ही चले आपके पास। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास बहुत हो तो किसी की मदद करना सरल है, लेकिन जब हमारे पास कुछ ना हो मगर फिर भी हम किसी की मदद करने का संकल्प लें तो ईश्वर प्रसन्न होता है और फिर समय आने पर ईश्वर भी उसकी मदद करता है। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए सेठ जी। मोहन, समय तो मैंने तुम्हें कई बार दिया लेकिन फिर भी तुमने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया। अब बोलो गलत कौन है, मैं या तुम? अरे कर्ज के बदले ये घर जब्त कर रहा हूँ, कोई डाका नहीं डाल रहा। इज्जत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं सेठ जी, अगर ये घर ही आपने ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा सेठ जी, मुझे तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी सेठ जी। अगर मैं सबके बारे में सोचने लगा तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। अरे मुंह क्या देखते हो, फेंको सामान बाहर। ऐसे जीवन पे मैं मर जाने दो, छोड़ो ये, छोड़ो छोड़ो। मोहन, इस छत के बिना तुम्हारा परिवार जी लेगा, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार कैसे जी पाएगा मोहन? तो मैं क्या करूं? Ah!
इसे थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, या फिर जब तक इसका कर्जा ना उतरे इसे मजदूरी करवाइए। अच्छा, अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र है तो तू उतार दे इसका कर्जा। जेवर है सेठ जी, इससे मोहन का कर्जा पूरा उतर जाएगा। ये लीजिए। सोने के जेवर। मोहन, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब चुकता हो गया, चलो यहां से। मोहन को बचाने के लिए मैंने सिद्धेश्वर के गहने साहूकार को दे दी, लेकिन मैं अब सिद्धेश्वर को क्या जवाब दूंगा? सिद्धेश्वर। लक्ष्मण। सिद्धेश्वर मुझे माफ कर दो, वो जो जेवर तुमने मुझे संभालने के लिए दिए थे वो किसी की मदद करने के लिए मैंने उसके साहूकार को सौंप दिए। क्या कहा? हाँ। मेरे जेवर किसी और को दे दिए तुमने? तुम चोर हो चोर। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने तोड़ दिया उसे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने एक इंसान का भरोसा तोड़ा है साई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे आगे और कोई चारा नहीं था। आप तो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं, मैं सिद्धेश्वर से माफी मांग लूंगा, वो जो भी सजा देगा मुझे स्वीकार होगी, जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा मैं। बस मैं आपकी नजर में गुनहगार नहीं बनना चाहता हूं साई। लो, घर तो बन गया, लेकिन इस घर में चिड़िया रहेगी कैसे? चिड़िया और उसके होने वाले बच्चों के लिए हमें एक छत और इस घर को आरामदेह बनाना होगा। कुछ सूखी घास और थोड़ा खाना इसमें रख दें। ये अच्छा होगा साई, हम अभी जाके सूखी घास ले आते हैं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। लक्ष्मण कैसे हो? मुझे माफ कर दो सिद्धेश्वर, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पुलिस बुलवा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? सच कह रहा हूँ, वो जेवर जो तुमने मुझे मैंने संभाल के रखे थे, लेकिन किसी जरूरतमंद का घर बचाने के लिए मैंने वो जेवर उसके साहूकार को सौंप दी। क्या? हाँ, तुम जो सजा दोगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? पहले अपने आदमी से जेवर भिजवा दिए और अब कह रहे हो कि किसी और को दे दिए।
क्या? मेरा आदमी कौन? वही जिसे तुमने जेवर दिए थे मुझ तक पहुंचाने के लिए। वो बोला तुम्हें किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए तुमने उसके हाथों जेवर भिजवाए हैं मुझे लौटाने के लिए। अभी कुछ देर पहले ही तो आया था वो। और तुम सोच रहे थे कि ऐसा मजाक करके मुझे चौंका दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण, तुमने मेरे जेवरों का ध्यान रखा। वैसे अच्छा हुआ तुम आए, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो क्या है ना, मेरा काम बढ़ रहा है तो मुझे अब पुणे में रहना पड़ेगा, तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मेरा यहाँ का काम देख सके, एक ऐसा इंसान जिस पे मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकूं, और मेरी नजर में एक तुम ही हो। अरे भाई, मैं दोस्ती खाते में तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, पगार दूंगा ताकि तुम्हारी मेहनत भी बेकार ना जाए। 100 रुपये प्रति माह दूंगा, मंजूर है तो बोलो। एक बात बताओ, वो जो आदमी जो तुम्हें जेवर लौटा के गया, वो दिखने में कैसा था? क्या लक्ष्मण, तुमने ही भेजा और तुम ही पूछ रहे हो, आज हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं, तुम बस ये बताओ कि वो आदमी दिखने में कैसा था। बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी, सर पे सफेद कफनी, जैसे कोई बैरागी हो। वैसे खोल के देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है लक्ष्मण कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। साई, साई, मेरे साई, और कोई नहीं हो सकता, मेरे साई बाबा, साई बाबा। मेरे साई बाबा, वो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा, सबका मालिक रे।
गीता, 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 कमाल हो गए, कमाल हो गया गीता। आपको पता चल गया? लो, अब मेरे आप बेटी और मुझे कैसे नहीं पता होगी? क्या हुआ? गीता, मैं गहने सिद्धेश्वर को लौटाने गया तो सही। साई, ये सब साई बाबा का चमत्कार है गीता, उन्हीं की कृपा है ये। मुझे काम दिलाने के लिए उन्होंने रची एक लीला थी वो। अब हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे गीता, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। साई, मेरे साई बाबा। तब तो साई ने एक ही चमत्कार नहीं किया है। हाँ, मतलब? आइए मेरे साथ। हाँ, आइए। देखिए, ये कब हुआ? बाजार से लौटी तो छत बनी हुई थी, और सिर्फ छत ही नहीं, आइए आइए ये देखिए, रसोई में अनाज भी भरा हुआ। ओ, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई साई ओम साई ओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ साईं। आज आप पहली बार मेरे घर आए। मेरी हालत ऐसी है कि मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकती। घर में कुछ है ही नहीं। उदास मत हो आई, मेरे पास कुछ है साईं को देने के लिए। ये लीजिए साईं, मूंगफली। चेतन ने आज मूंगफली लाई थी और उसने मुझे बहुत सारी मूंगफली दी। ये लीजिए। नहीं बोला, तुम खा लो। आप नहीं खाएंगे तो आई को दुख पहुंचेगा, इसलिए ले लीजिए ना साईं। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है। और लीजिए ना साईं। नहीं बोला, मेरा पेट भर गया, तुम खा लो। ठीक है साईं। रो मत बेटी, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारा भोला इतना समझदार हो गया है। साई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं गुस्से में आकर ये दारू की भट्टी पर ना गए हो। ऐसी क्या चीज है नशे में
शराब में जो आदमी अपने परिवार तक को भूल जाता है, जिसे हम सिर्फ नशा समझते हैं, उनके लिए वो सहारा है। सहारा अपनी कमजोरियों, अपने दुखों, अपनी परेशानियों को कुछ देर भुलाने का सहारा। धीरे धीरे इस सहारे की आदत लग जाती है और फिर इंसान बहाने ढूंढता है इस नशे के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारियों से भागने का माध्यम बन जाता है। नशे में हो तो यथार्थ का सामना नहीं करना पड़ता है। जो इंसान नशे में है वो अपने जीवन को अच्छे के लिए बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर बदलेगा तो नशे का बहाना चला जाएगा। इसलिए वो जिन परेशानियों में घिरा है उनसे निकलना ही नहीं चाहेगा और धीरे धीरे इस दलदल में धंसता चला जाएगा। तो साई, इस नशे से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है? है ना, ऐसे कई इंसान हैं जो ये नशे की आदत छोड़कर आज सामान्य रूप से जिंदगी बिता रहे हैं। इसका केशव से बढ़िया और क्या उदाहरण हो सकता है? छोटे सरकार भी? हाँ, केशव भी अपनी परेशानियों के कारण भटक गया था, शराब पीने लगा था। जब उसके अपनों ने उसकी परेशानी को समझकर उसे लड़ने का हौसला दिया, उसका साथ दिया, उसकी लत की जो वजह थी उसे दूर किया, तब वो भी सही रास्ते पर चलने लगा। रेनू, धैर्य जरूरी है, अपने पे विश्वास जरूरी है, तभी तुम किसी को नशे से मुक्त करा सकोगे। और हाँ, जिस तरह रोग को ठीक होने में समय लगता है, उसी तरह इसमें भी समय लगता है। इसमें जितनी अधीर होगी, जितना लड़ोगी उससे, उसे उतना ही बहाना मिलेगा फिर नशे में डूबने का। जी भला करें। पंता जी, ये फकीर इस शराबी काशीनाथ के घर पे क्या कर रहा था? पता लगाना होगा। मन तो कर रहा है एक कुछ अनाज जाकर रेनू को दे दूं। तुम्हारी कृपा से हमारे पास काफी है। किस काम का इतना अनाज जो बुरे वक्त में किसी के काम ना आ सके? लेकिन मैं रेनू को जानती हूं, वो स्वाभिमानी औरत है, मुझसे मदद लेगी नहीं। साईं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है उनकी। काशीनाथ की ये नशे की आदत जल्दी छूटेगी ना, उनकी गृहस्थी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी ना। अब उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता जिससे सब ठीक हो जाए? हम कोशिश कर सकते हैं भाई सामा, बाकी अल्लाह मालिक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।